वैलेंटाइन डे आते ही छोटू की आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। मंदिर के साइड से लगी दुकान पे काम करने वाला छोटू हर बार की तरह इस बार भी खूब सारे गुलाब की पंखुड़ियाँ खरीद लाया था। छोटू को ये नहीं पता था कि वैलेंटाइन डे होता क्या है, पर ये जरूर पता था उसे कि आज 10 का बिकने वाला गुलाब 50 में बिकेगा। वह सुबह से दौड़ भाग में लगा था उस उम्मीद में कि आज अच्छी कमाई कर लेगा। वो 2-3 घंटे में उसके सारे गुलाब बिक गए। उसने जल्दी से पैसों को गुना भाग करके 500 अलग निकाल लिया। अब फुर्ती से भागकर सेठ के पास पहुंचा, उसकी उधारी चुकाई और दंदनाता हुआ बाजार पहुंच गया हीरामन के दुकान पे। अरे छोटू, आज बड़ी जल्दी आ गया रे तू। हाँ चचा, आज 14 फरवरी है ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, बता क्या चाहिए। वो हरी वाली फ्रॉक तो दिखाना चचा, छोटू ने चहकते हुए कहा। महंगी है, नहीं ले पाएगा। कितने की है? पूरे 480 की, बोल पैक कर दूँ? छोटू ने कुछ देर सोचते हुए कहा, ठीक है चचा, कर दो पैक। 500 में 480 गया, बचा 20। अच्छा, 20 की डेरी मिल्क भी पैक कर दियो चचा। ये ले कहते हुए चचा ने उसे पैकेट थमा दिया। छोटू फुदकते हुए घर पहुंचा, माँ से पूछा, छोटी कहाँ है? छोटू ने उसे जल्दी से ढूंढा और जादू की झप्पी देते हुए बोला, इप्पी वैलेंटाइन डे छोटी। बस सोच सोच का फर्क है, प्यार तो प्यार ही होता है। कहानी पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।